सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ना कभी यार स्मार्ट नोट टेकर के बारे में जरूर सुना होगा और यार अक्सर कंफ्यूज भी होते होंगे कि यार कैसे ये जो डिवाइस है ये हमारी मदद कर देती है हमारी किसी भी चीज को याद रखने में। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इस चीज़ की, तो ये कोई आज की बात नहीं है, इसको भी हम काफ़ी पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यार ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट्स है वो हमने इस स्टेज पर आके किए हैं। अब यार देखो, सिंपल सी बात है कि यार ये जो बेसिकली डिवाइस है ये कोई डिवाइस नहीं, बेसिकली एक ये पेन है और यार ये पेन आपको बहुत पिछली से पिछली चीज़ को याद दिलवाने में आपकी जो हेल्प है वो कर देता है। अब यार देखो, बेसिकली बात करते हैं कि आखिर जो चीज़ है ये किस तरीके से काम करती है और कैसे हमारी मदद कर देती है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना किसी भी रिमेम्बरिंग डिवाइस की, अब यार देखो आप करते हो अगर जॉब या फिर आपकी कोई बेसिकली कंपनी वगैरह है तो यार आप अक्सर होते हो कि बिजी और आपको यार बेसिकली जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता होगा। अब यार आपको अगर किसी चीज़ को याद रखना है तो इस भाग दौड़ वाली दुनिया के अंदर आप किसी चीज़ को अगर याद रखते भी हैं तो कुछ टाइम के बाद वो जो चीज़ है वो आपके दिमाग से निकल जाती है और आप यार होते हैं काफ़ी उदास कि यार मैंने जो चीज़ याद की थी वो क्या थी। अब यार इसी चीज़ को बेसिकली कम करने के लिए, आपको किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए हमने डिज़ाइन किया है इसी नोट टेकर को, ताकि यार हम जो बेसिकली हमारी जो बेसिकली याद रखने की कैपेसिटी है उसको बढ़ा पाएँ और यार हम चीज़ों को याद रख पाएँ सालों साल और कभी भी उसको जो अपने दिमाग से है वो निकाल ना पाएँ। अगर हमारे दिमाग से इन दैट केस के निकल भी जाती है तो भी यार हमारा जो काम है वो इस ये जो बेसिकली पेन है ये कंप्लीट करवा देगा। अब फिर तो वो स्मार्ट नोट टेकर ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बेसिकली एक पेन है और सिंपल से प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती है। अब फिर देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इस चीज़ की, तो यार ये बेसिकली इस तरीके से काम करती है कि इसके अंदर लगी होती है एक माइक्रो चिप बेसिकली, जिसके अंदर वो जो डेटा है वो स्टोर होगा। अब यार देखो, ये करता है कुछ इस तरीके से कि सपोज करो कि आप अपने टैबलेट पे, लैपटॉप पे या फिर किसी भी चीज़ पे जो भी टच स्क्रीन डिवाइस है उसके ऊपर आप लिखते हो कुछ भी, अब मतलब कुछ भी ऐसा नोट लिखते हो जिसको यार आपको याद रखना है फ्यूचर टाइम के बाद, मतलब आपको बाद में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अब आपके दिमाग से वो निकल ना जाए, इसलिए आपने एक बेसिकली एक याद रखने के लिए आपने उस चीज़ के ऊपर उसको लिख लिया, ताकि यार वो बाद में भी आपके काम आ पाए जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े। अब यार वो क्या करता है, वो जो बेसिकली आपका स्मार्ट नोट टेकर है वो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है या जो भी बेसिकली जिस भी चीज़ का आपने नाम लिखा है उसको यार वो सेंस करता है 3D के अंदर, मतलब तीन डायमेंशंस के अंदर उसको सेंस करता है, उसकी ऊंचाई, नीचाई, गहराई, ये सारी चीज़ों को वो सेंस करता है कि वो टेक्स्ट की जो 3D डायमेंशंस है वो कितनी है, मतलब ये कि यार उसकी जो तीनों चीज़ें तीनों डायमेंशंस हैं उनको यार वो एनालाइज करता है, सेंस करता है। उसके बाद में यार वो बेसिकली करता है कुछ में, उसके बाद में जो आपका बेसिकली डेटा जो भी आपने उसके ऊपर लिखा है, जो भी आपने नोट उसके ऊपर लिखा है वो यार ट्रांसफ़र कर देता है हमारे पास माइक्रोचिप के पास में, जहाँ पर यार वो जो डेटा है वो कंप्लीट सेव हो पाए और यार बाद में जब आपको जब भी आप 2 साल बाद 5 साल बाद जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो जो चीज़ है वो इजीली आपके जो बेसिकली आपका जो नोट टेकर है उसके अंदर सेव होगी। अब यार बेसिकली जो उसका कंसेप्ट है वो इसी तरीके का है, ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एक सिंपल से डिवाइस है और यार इसके बारे में यार इतनी बेसिकली जो साइंस है वो कंप्लीट बन जाती है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ स्मार्ट नोट टेकर की, तो ये बेसिकली एक रिमेम्बरिंग डिवाइस है और काफ़ी हद तक जो हमारी मदद है वो कर देती है किसी भी चीज़ को याद रखने में। तो यार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्मार्ट नोट टेकर के बारे में वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।